हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सरफेस केमिस्ट्री दोस्तों, अर्थात पृष्ठ रसायन यहाँ पर आप पढ़ेंगी। इसके आधार पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, तो आप इनको आराम से देखेंगे और दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर मिलेगा उसे आप नोट कर लेंगे। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी दरख्वास्त भी करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए, एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी डेफिनेशन मिलेंगी या फिर आपको रिएक्शन मिलेगी उसे आप नोट करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत कहाँ पर उपयोगी होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप उत्प्रेरण को समझिए, उत्प्रेरण आपका क्या होता है। इसके तहत दोस्तों क्या होता है, देखिए जब भी आपने कोई रिएक्शन को देखा होगा उसमें उसके वेग को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए आप बीच में एक कारक का यूज़ करते हैं। जो कारक होता है दोस्तों, जो आपका एजेंट होता है उसका आप यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो उसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं दोस्तों, या फिर आप इंग्लिश में कहेंगे तो आपका कैटेलिस्ट आप दोस्तों बोलते हैं। तो इस उत्प्रेरक की जो आपकी क्रिया होती है दोस्तों, उसी को आप बोलते हैं उत्प्रेरण। अर्थात दोस्तों, जब आप किसी रिएक्शन में एक कारक को यूज़ करेंगे जो बढ़ा देगा वेग को या फिर घटा देगा, उसी को दोस्तों, उस रिएक्शन को दोस्तों आप क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण कहेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आप बात करेंगे पहले अधिशोषण की दोस्तों। अधिशोषण क्या होता है, अर्थात एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, ठोस या फिर द्रवों की सतह के द्वारा पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की या फिर धारण करने की जो आपकी क्षमता होती है, उसे दोस्तों एड्सॉर्प्शन कहते हैं या फिर अधिशोषण कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपने यहाँ पर ठोस या फिर द्रव की सतह ली, सरफेस लिया, पृष्ठ लिया, इस पर दोस्तों कोई कण यहाँ पर आकर्षित होते हैं, पदार्थ के कण आकर्षित होते हैं और यहाँ पर चिपक जाते हैं सतह पर। तो ये जो आपके चिपके हुए कण होंगे दोस्तों, इनको आप बोलते हैं अधिशोषीय। ये आपके अधिशोषी हैं जो आपके चिपके हुए हैं, और ये सतह दोस्तों जो आपका पृष्ठ है, ये आपका कहलाता है अधिशोषक, जो चिपकाने वाला है। और ये रिएक्शन पूरी दोस्तों क्या कहलाती है, प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है दोस्तों, एड्सॉर्प्शन कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एड्सॉर्प्शन क्या होता है। आपने कोहरे में भी देखा होगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, उसमें दोस्तों जो आपके कण चिपके होते हैं वायु पर दोस्तों, पृष्ठ पर, उसे आप समझ सकते हैं। या फिर आप एक छलनी के माध्यम से भी दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब आप कोई पदार्थ को छानते हैं तो पदार्थ को छानने में दोस्तों आपका जो गाढ़ा पदार्थ होता है आपका चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपका नीचे का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें दोस्तों आप ये भी देखते हैं कि आपका जो नीचे वाला यहाँ पर सांद्रता है दोस्तों पदार्थ की, वो ज़्यादा होती है यहाँ के कंपेयर में। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर अधिशोषण है, बाद में आपका आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत उपयोगी होता है। किसमें होता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको अधिशोषण का सिद्धांत पता होना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है दोस्तों, किसी भी ठोस उत्प्रेरक में, तो कहने का मतलब है ठोस आपका उत्प्रेरक होगा तो आपका केवल ठोसों में लागू होगा, किसी भी ठोस उत्प्रेरक में दोस्तों इनकी सतह के द्वारा अभिकारक के जो कण होते हैं दोस्तों, उनका क्या होता है, अधिशोषण होता है दोस्तों। कहने का मतलब है, मान लीजिए दोस्तों आपने कोई ठोस यहाँ पर लिया, कोई भी उत्प्रेरक के रूप में लिया दोस्तों, ये क्या करेगा, ये आपके जो अभिकारक हैं इनके अणुओं को दोस्तों अपने सरफेस पर क्या कर लेगा, चिपका लेगा, अर्थात उनको अधिशोषित कर लेगा दोस्तों। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी को दोस्तों आप बोलते हैं अधिशोषण का सिद्धांत। तो ये किसके लिए लागू होगा दोस्तों, केवल ठोसों के लिए लागू होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन को आपको पहले समझना है। इसमें दोस्तों पहले क्या होता है, देखिए इसमें आपका होता है SO2+O2, इसमें आपका प्लेटिनम आप बीच में लाते हैं दोस्तों, जो कि आपका एक सॉलिड उत्प्रेरक के रूप में है, सॉलिड कैटलिस्ट के रूप में होता है दोस्तों। ये आपका बनाता है SO3 को। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका SO3 होगा वो H2SO4 से रिएक्शन करेगा SO3, तो ये दोस्तों आपका देता है ओलियम। ओलियम का होता है दोस्तों आपका H2O7। अब ओलियम का दोस्तों जब आप जल अपघटन कराएंगे H2O7 का H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो ये दोस्तों आपको देगा H2SO4 प्योर। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, प्लेटिनम आपका उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अम्लीय KMnO4, यहाँ पर आपका 4 होगा दोस्तों, के द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है दोस्तों, COOH और COOH, ये आपका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। जब आप दोस्तों इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ये आपका एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है दोस्तों, और जो आपका KMnO4 होता है, ये आपका दोस्तों क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन एजेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसका दोस्तों ऑक्सीकरण करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जो आपका होता है वो आपका होता है दोस्तों Mn2 पॉजिटिव आयन दोस्तों, अर्थात जो आपका मैग्नीज का दोस्तों जो आयन होता है वही आपका होता है। तो ये दोस्तों क्या करता है, ऑक्सीडेशन आयन के रूप में दोस्तों काम करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण की
प्रयोग में दोस्तों आपका जो उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है, इसको भी आप समझिए दोस्तों। रिएक्शन को देखिए पहले आप, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका H2+CO2 होता है, इसकी रिएक्शन होती है। और ये आपका जो उत्प्रेरक बीच में आता है दोस्तों, वो आपका आता है CuO+ZnO+Cr2O3। तो इसको आप जब उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों CH3OH, जो कि आपका मिथिल एल्कोहल आपका होता है दोस्तों। या फिर आप रिएक्शन को लिख सकते हैं दोस्तों CO2+H2, तो इसे भी दोस्तों आपका CH3OH आपका बनता है, लेकिन आपका जो उत्प्रेरक होगा दोस्तों आपका वही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है अथवा कम कर देता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक आपने मिलाया है, जो कैटेलिस्ट आपने मिलाया है दोस्तों, उसकी क्रिया को जो क्षमता है उसको दोस्तों कम कर देते हैं या फिर उसे खत्म कर देते हैं। तो कौन से होते हैं उनको आपको बताना है। ऋणात्मक उत्प्रेरक होंगे या मंदक कहलाएंगे या फिर वर्धक कहलाएंगे या फिर उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। ये दोस्तों आपके कहलाते हैं उत्प्रेरक विष दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। ये आपके दोस्तों कैटेलिस्ट पॉइजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाला विष का कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पीटी के लिए दोस्तों कौन सा वाला उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है, अर्थात उसकी क्रियाशीलता को कम या फिर खत्म कर देता है। यह आपका SO2 होगा, NO होगा, या AS2O3 होगा, या H3PO4 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है SO2O3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका तीन वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों प्लेटिनम के लिए विष का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया KClO3+MnO2 बराबर KCl+O2+MnO2 का उदाहरण यहाँ पर कौन सा वाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका MnO2 है आपका बाद में भी MnO2 है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये आपका उत्प्रेरक होता है। क्योंकि उत्प्रेरक दोस्तों रिएक्शन नहीं करता, केवल दोस्तों रिएक्शन में भाग लेके उसकी दर को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, ये खुद दोस्तों रिएक्शन नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर ये किस वाली रिएक्शन का एग्जांपल आपको बताना है, समांग उत्प्रेरण का या विषमांग उत्प्रेरण का या ऋणात्मक उत्प्रेरण का या फिर प्रेरित उत्प्रेरण का दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप समांग को समझेंगे दोस्तों। समांग किसे कहते हैं, समांग का मतलब दोस्तों आपका होमोजीनियस जो आपका होता है, इसमें दोस्तों आपके जो अभिकारक हैं, जो रिएक्टेंट हैं दोस्तों, और जो उत्प्रेरक है सेम स्टेट में होते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके जो अभिकारक हैं वो दोस्तों यदि गैस हैं तो उत्प्रेरक भी दोस्तों आपका गैस ही होना चाहिए, यदि आपके ठोस हैं तो वो भी आपका ठोस ही होना चाहिए, तो उसे दोस्तों आप समांग कहेंगे। और वैसे दोस्तों आपका विषमांग क्या है, उसका अपोजिट है। यदि आपके दोस्तों अलग अलग होंगे, मान लीजिए आपका अभिकारक ठोस हैं और द्रव दोस्तों आप, और यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक है दोस्तों वो आपका क्या है, द्रव है या फिर गैस है, तो वो दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, विषमांग कहलाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आपका ऋणात्मक की बात करें, तो ऋणात्मक मतलब दोस्तों होता है जो उत्प्रेरक रिएक्शन को घटा देते हैं दोस्तों, दर को घटा देते हैं, उसे आप बोलते हैं ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव दोस्तों उत्प्रेरक अर्थात कैटेलिस्ट। और वैसे दोस्तों जो बढ़ा देंगे वो आपके धनात्मक कहलाएंगे या फिर प्रेरित आपके कहलाएंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो गया। अब आप यहाँ पर बता देंगे इसमें दोस्तों आपका जो MnO2 है क्या कार्य कर रहा है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए समांग है, क्योंकि दोस्तों MnO2 क्या है दोस्तों, आपका सॉलिड होता है, और KClO3 भी दोस्तों आपका सॉलिड है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, समांग उत्प्रेरण का दोस्तों एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार के उत्प्रेरणों में से किसे अधिशोषण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह आपका समांग उत्प्रेरण को या विषमांग उत्प्रेरण को या एंजाइम को या फिर अम्लक क्षार उत्प्रेरण को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपको अभी हमने उत्प्रेरण का सिद्धांत बताया था दोस्तों, उसमें हमने आपको बताया था ठोस उत्प्रेरण की दोस्तों सतह पर द्रव या फिर गैस वाले जो आपके अभिकारक होते हैं उनका अधिशोषण जो होता है वही दोस्तों आपका सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका देखिए द्रव या फिर गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण क्या है दोस्तों, एक प्रकार का विषमांग उत्प्रेरण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये आपके ठोस या द्रव होंगे, लेकिन जो आपका कैटेलिस्ट होगा दोस्तों वो आपका सॉलिड होगा, ठोस होगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, विषमांग उत्प्रेरण को दोस्तों आप समझा सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दो वाला सही हो जाएगा। और एंजाइम दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके एंजाइम जिनमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है दोस्तों, उनको आप बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभिक्रिया आपको दिया है एक CH2+H2 और निकिल आपको बीच में दिया दोस्तों, इसे गर्म करने पर आपको मिलता है CH3CH3। और निकिल दोस्तों यहाँ पर किसका एग्जांपल है, निकिल दोस्तों विषमांग का होगा या फिर समांग का होगा या ऋणात्मक का होगा या स्व उत्प्रेरक का एग्जांपल होगा। दोस्तों आपको पता होगा निकिल क्या होता है दोस्तों, आपका सॉलिड होता है, सॉलिड ब्राउन होता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए CH2CH2 क्या है दोस्तों, एक प्रकार की गैस है दोस्तों, एथीन गैस है, और H2 भी दोस्तों आपका गैस है। तो यहाँ पर आप देखते हैं गैस और आपका ठोस है, सॉलिड है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, ये विषमांग का एग्जांपल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका एक वाला सही हो जाएगा, हेड्रो का दोस्तों एग्जांपल होगा, विषमांग का एग्जांपल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन उत्प्रेरक के लिए दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। नहीं है आपको पढ़ना है ध्यान से, आप पढ़ेंगे दोस्तों
यह अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। देखिए जो भी आपको बातें कही जा रही हैं ये आपकी दोस्तों उत्प्रेरक के लिए कही जा रही हैं, तो आपको बताना कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला इनमें से सही नहीं है। यह दोस्तों अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, पहला वाला बिल्कुल सही है, ये दोस्तों आपका अनचेंज रहता है। दूसरा कहता है उत्प्रेरणीय अभिक्रिया में यह साम्य को परिवर्तित नहीं करता, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो आपके दोस्तों उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है दोस्तों, उनमें मान लीजिए कोई साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोस्तों रिएक्शन, तो वहाँ पर उत्प्रेरक दोस्तों कोई भी कार्य नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, यह अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये अभिक्रिया को दोस्तों कभी भी प्रारंभ नहीं कर सकता। तो आपका तीसरा वाला कथन दोस्तों आपका गलत है, और चौथा वाला आपको दिया कभी कभी उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के लिए दोस्तों बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला दोस्तों गलत है, जो कि रिएक्शन का यहाँ पर प्रारंभ नहीं कर सकता दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक है, तो विलयन दोस्तों कैसा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निलंबन होगा, वास्तविक होगा, कोलाइडी होगा, या संतृप्त विलयन होगा, संतृप्त होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कोलाइडी विलयन कहलाता है, कोलाइडी दोस्तों सोल्यूशन कहलाता है। कोलाइडी सोल्यूशन की खासियत यही होती है दोस्तों, इसमें जो आपके विलायक होते हैं दोस्तों, उनके जो अणु होते हैं जो प्रक्षिप्त होते हैं, उनका जो शेप होता है, जो आकार होता है दोस्तों, वो आपका 50 से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। तो जब आप डेफिनेशन देंगे तो वहाँ पर भी आप यही लिखेंगे दोस्तों, जब विलायक के प्रक्षिप्तों का आकार इतनी रेंज में होता है, इतनी परास में होता है, तो उसे आप दोस्तों क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, झाग या फिर आप फेन कहें किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है? ये आपका गैस में द्रव, या द्रव में गैस, या द्रव में द्रव, या गैस में द्रव, गैस में ठोस। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक प्रकार से ये आपका एडजॉर्प्शन के ही माध्यम से आप समझेंगे दोस्तों इसे। आपने झाग को देखा होगा दोस्तों, झाग में दरअसल होता क्या है, इसमें दोस्तों एक बुलबुले के अंदर हवा भरी रहती है, ये दोस्तों आपकी सतह कहाँ की होती है, ये परत आपकी दोस्तों द्रव की होती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों द्रव की सतह पर एक प्रकार से गैस का क्या होता है दोस्तों, एडजॉर्प्शन होता है। तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, आपका दोस्तों द्रव में गैस का एड्जॉर्प्शन कहलाएगा, अर्थात दोस्तों द्रव में गैस का एक कोलाइडी विलयन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दो वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोहरा जो आपका स्मॉग होता है, वो निम्न में से दोस्तों कौन से वाले कोलाइडी विलयन का अवस्था का दोस्तों एग्जाम्पल है? ये गैस में द्रव प्रक्षिप्त, या गैस में गैस प्रक्षिप्त, या ठोस, या गैस में ठोस का प्रक्षिप्त, या द्रव में ठोस का प्रक्षिप्त। दोस्त यदि आप दोस्तों यहाँ पर देखिए कोहरे को देखते हैं, तो कोहरे में होता क्या है दोस्तों, जो गैस होती है, गैस में दोस्तों पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं, और इनके ऊपर दोस्तों आपके धूल के कण चिपके रहते हैं। तो आप कह देंगे दोस्तों गैस में द्रव का प्रक्षिप्त होता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा वाला है? द्रव विरोधी का मतलब दोस्तों आपके देखिए कौन से वाले कोलाइड द्रव विरोधी होते हैं, ऐसे कोलाइड दोस्तों जिनको आप मिलाते हैं जल में तो वो आसानी से जल में नहीं घुलते, कहने का मतलब है जो आपके आसानी से जल में सोल्यूबल नहीं होंगे दोस्तों, उनको आप बोल देंगे द्रव विरोधी। ऐसे कोलाइड दोस्तों, ऐसे कोलाइड विलयन जो द्रव में आसानी से घुल जाते हैं, जो विलेय होते हैं, अर्थात आप कहेंगे दोस्तों ऐसे कोलाइड सोल्यूशन जो आराम से सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनको आप द्रव स्नेही कहते हैं दोस्तों, सोल्यूबल वाले आपके स्नेही कहलाएंगे। लेकिन जो आराम से नहीं घुलते दोस्तों, या फिर बिल्कुल नहीं घुलते, उनको आप बोलते हैं दोस्तों द्रव विरोधी। ये दोस्तों आपका गोद होगा, या गंधक होगा, या जिलेटिन होगा, या स्टार्च होगा, ये दोस्तों आपका गंधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो वाला दोस्तों गंधक आपका सल्फर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोलाइडी कणों का साइज अर्थात आकार लगभग किस रेंज में होता है? दोस्तों अभी आपको हमने बताया था, जो आपके कोलाइडी सोल्यूशन होते हैं दोस्तों, उनमें जो आपके विलेय के प्रक्षिप्त होते हैं, उनका आकार दोस्तों कौन से वाली रेंज में होता है? 50 से लेके दोस्तों 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, इन्हीं को दोस्तों आप बोलते हैं कोलाइडी विलयन। तो ऑप्शन नंबर आपका दो वाला दिखता है दोस्तों, 50 से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम तक, ये दोस्तों आपका लगभग रेंज होती है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पर आप तैयार कीजिए, इसके बाद में दोस्तों आपको पार्ट नंबर 2 में कराएंगे इनके बचे हुए क्वेश्चनों को, जो आपके बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ तक आप तैयार कीजिए, यदि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक दोस्तों पहुँचे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।